SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित और बहुजन संगठनों द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। देश के 21 अलग अलग संगठनों ने इसका समर्थन किया है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में BSP और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने भी इस भारत बंद को अपना सपोर्ट देने का ऐलान किया है। तो वहीं दूसरी ओर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी अंतिम समय में इसको समर्थन देने का मन बना लिया। भारत बंद को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा मुखिया अखिलेश यादव दोनों की प्रतिक्रिया भी सामने आई। बुधवार को सवेरे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास, ये शोषित वंचित के बीच चेतना का नया संचार करेगा और आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के खिलाफ जन शक्ति का एक कवच साबित होगा। शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार होता है। सपा प्रमुख ने आगे लिखा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने पहले ही आगाह किया था कि संविधान तभी कारगर साबित होगा जब उसको लागू करने वालों की मंशा सही होगी। सत्तासीन सरकारें ही जब धोखाधड़ी घपलों घोटालों से संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेंगी तो जनता को सड़कों पर उतरना ही होगा। जन आंदोलन बेलगाम सरकार पर लगाम लगाते हैं। दूसरी ओर पिछड़े समाज की नेता मानी जाने वाली और यूपी की मुख्यमंत्री रही मायावती की प्रतिक्रिया भी सामने आई। मायावती ने एक्स पर लिखा, BSP का भारत बंद को समर्थन, क्योंकि भाजपा व कांग्रेस आदि पार्टियों के आरक्षण विरोधी षड्यंत्र एवं इसके निष्प्रभावी बनाकर अंततः खत्म करने की मिलीभगत के कारण 1 अगस्त 2024 को SC/ST के उपवर्गीकरण व इनमें क्रीमी लेयर संबंधी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध इनमें रोष व आक्रोश। उन्होंने कहा कि इसको लेकर इन वर्गों के लोगों द्वारा आज भारत बंद के तहत सरकार को ज्ञापन देकर संविधान संशोधन के जरिए आरक्षण में हुए बदलाव को खत्म करने आदि की मांग जबरदस्त है, जिसे बिना किसी हिंसा के अनुशासित व शांतिपूर्ण तरीके से किए जाने की अपील की। वही यूपी में भारत बंद के असर की बात करें तो पुलिस ने भी बड़ी तैयारी कर रखी है। सभी जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। पश्चिमी यूपी में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। हालांकि भारत बंद का असर स्कूल कॉलेज दफ्तर समेत कई स्थानों में नहीं पड़ेगा और वो रोजाना की तरह काम करते रहेंगे। इसके लिए यूपी में कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। वहीं सरकार की तरफ से भी बिहार और राजस्थान की तरह कोई आदेश नहीं दिया गया है। बता दें कि क्रीमी लेयर के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कई दलित और आदिवासी संगठनों ने बंद बुलाया है। इसके साथ ही उन्होंने कई मांगों की एक लिस्ट भी जारी की है। उनकी ये मांग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। दलित और आदिवासी संगठनों के भारत बंद को कई राजनीतिक संगठनों का भी समर्थन अब हासिल हो रहा है। NBG ऑनलाइन की रिपोर्ट।